हाँ जी सर, आज कुछ गिरफ्तारी हुई है सर, सरपंचों को लेकर। सर किस मामले में गिरफ्तारी करी है सर? आज संत रविदास जी महाराज की जयंती मेला मंडी नरवाना में मनाई जा रही थी, जिसमें हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर थे, जो पब्लिक को संबोधित कर रहे थे। दौरान संबोधित ये अपना जसमेर बिल्लू सरपंच वह इसके 6-7 अन्य साथी, टोटल 10 आदमी वहाँ पर, इन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, जिनको हिरासत में लिया जाकर निवारक कार्रवाई की गई है, जिनको अभी पेश अदालत किया जाएगा। तो क्या FIR भी लॉन्च की गई है इनके खिलाफ भी? निवारक कार्रवाई जो जो शांति भंग होने की जो धाराएं हैं 7/151 उसमें गिरफ्तार किया गया है। किस स्थान पे करी गई है सर ये, जो इन्होंने आपने कहा शांति शांति भंग करने की कोशिश करी है, कहाँ स्थान पे रैली स्थल ये? पे। हाँ रैली स्थल पे। अच्छा सर, तो क्या महिलाएं भी साथ में, सर महिलाएं भी इस गिरफ्तारी में? महिला वगैरह जो डाउट थी भाई ये बस शांति भंग करने कर सकती है, उनको एक दो को हिरासत में वहीं पर लिया गया था, जिनको बाद पूछताछ फारिग कर दिया गया। तो क्या अभी इनकी रिहाई हो चुकी है सर? अभी अदालत में पेश किया जाएगा, कागज वगैरह तैयार है सभी, अब कोर्ट में लेके जाएंगे। टोटल कितने लोगों के खिलाफ टोटल इनके? 10 आदमियों के खिलाफ तो जो शांति भंग की गई, तो किस तरह की इन्होंने शांति भंग की गई, क्या कुछ कर रहे थे ये जो विरोध कर रहे कानून थे? व्यवस्था बनाने में हमारे को ऐसा लग रहा था भाई ये बाधा डाल सकते हैं, इसलिए इनको बाधा डालने से पहले ही शांति भंग होने के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी शक के आधार पे किया सर? बिल्कुल सा शक के आधार पर, अंदेशा था उसी आधार पर हमने निवारक कार्रवाई की है। सर ठीक है, धन्यवाद। हमने बात करी है जो नरवाना सिटी के थाना के जो SHO साहब है श्रीनिवास जी से। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आज गुरु रविदास जो जयंती है बड़े पद्धर पर, जो नरवाना के जो मेला मंडी है स्थान पर बनाई जा रही थी, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे सरपंच, ये पुलिस जो अधिकारी है SHO साहब का कहना है कि हमें शक था कि ये मनोहर लाल जी का जो प्रोग्राम है गुरु रविदास जयंती मनाने आए हुए हैं, शांति भंग ना कर दे। तो इस शक के आधार पे इन्होंने बोला है कि शक के आधार पे इनको उठाया गया है और जो कार्रवाई की गई है, और इसमें 10 लोगों का जो नाम इन्होंने एडमिट किया है, उनके खिलाफ है जो केस दर्ज किया है, 10 सरपंचों का इनमें जो नाम आया है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ।